गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। जैसा कि मोस्ट कई दिनों से चल रहा था कि रिवीजन्स वीडियोस डालना है, चलो मैं आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ वीडियो आपने देख लिए होंगे बेटा, इशू ऑफ शेयर्स के, बायबैक के। अब आज मैं आपको रिवाइज वीडियो डाल रहा हूँ बेटा, ईशोप का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्वेश्चंस जो हैं बेटा इसके अंदर, वैसे चैप्टर्स बहुत बड़ा है, बट फिर भी हमको इसको पढ़ना है तो शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। तो मैं फटाफट इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ, कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। ईशोप, ईशोप क्या है बेटा? एक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स देने की बात करती है। कई तरह के प्लान होते हैं, उसमें से ईशोप भी है। इसके साथ आपको प्लान के अंदर डिस्कस करना है, अगर बेनिफिट प्लान की बात करें तो ईशोप के साथ साथ आता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान भी आता है, ESPP जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ में हम सार भी डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन सॉरी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी प्लान होते हैं जो एम्प्लॉय की बेनिफिट्स के लिए दिए जाते हैं। कुछ इक्विटी कम कैश प्लान होते हैं, वो भी दिए जाते हैं। तो ये सारे प्लान आपको डिटेल में डील करने वाला हूँ जो आज हमारा लेक्चर्स रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूँ बेटा ईशोप की, कि व्हाट इज ईशोप, ईशोप क्या है। तो ईशोप आप सारे बच्चों को पता है, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर देती है कि अगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर लेते हैं तो उनको फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स लेने का अधिकार रहेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईशोप बोलते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है तो उसको ईशोप बोलते हैं। ईशोप के अंदर हमने डेफिनेशंस वगैरह जो है वो कहाँ दे रखी है ईशोप की, तो आप हमेशा याद रखेंगे ईशोप की डेफिनेशन सेक्शन 2 Clause 37 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी हुई है, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या रिड्यूसिंग प्राइस पर फ्यूचर में शेयर देने का वादा करती है, बशर्ते वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर लेती हैं, पूरी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया ये क्यों देते हैं, तो ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ। पहला ऑब्जेक्ट होता है कि भैया एम्प्लॉय जॉब छोड़ के ना जाए, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो क्या हो जाए, कम हो जाए, एम्प्लॉय लालच में फंसा रहे कि उसको फ्यूचर में शेयर मिलने वाले हैं सस्ते में, तो वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरा, कंपनी के पास एक मोटिवेशनल होता है, कंपनी को कुछ कंडीशंस डाल दी जाती हैं जिनको परफॉर्मेंस कंडीशंस बोलते हैं, कि भैया इतना काम पूरा करोगे तो शेयर्स मिलेंगे, तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉय अपने आप को ऑनर समझने लगता है क्योंकि उसको शेयर्स मिलते हैं, तो ऑनर एक अच्छे से काम करेगा जिससे कंपनी की वेल्थ क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, बढ़ेगी। ये ढेर सारे फायदे किससे होते हैं, फटाफट बोलो, ईशोप से। साथ ही साथ बेटा टैक्स प्लानिंग भी होती है, कंपनी अगर एम्प्लॉय को बढ़ी हुई सैलरी देगी तो टैक्स देना पड़ेगा, उससे अच्छा कंपनी के शेयर्स दे देती है तो टैक्स भी बच जाता है एम्प्लॉय को। तो ये सारे फायदे होते हैं। अगर मैं बात करूं ईशोप की, तो ईशोप के लिए अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं जो हमारे ऊपर हैं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 62 और रूल 12 जो है बेटा हमारे शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014 का, ये डील करता है ईशोप को। दूसरा बेटा, लिस्टेड कंपनियां हैं तो लिस्टेड कंपनी पर सेबी रेगुलेशन 2014 जो कि अमेंडमेंट हो गए हैं वो भी अप्लीकेबल लगते हैं। और तीसरा, सारे बच्चे ध्यान रखें, अकाउंटिंग के लिए दो तरह की अकाउंटिंग चलती है, एक सेबी की अकाउंटिंग है और दूसरा गाइडेंस नोट है इंस्टीट्यूट का, जो कि अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ये गाइडेंस नोट अब अप्लीकेबल नहीं होता है IND AS 102 आने के बाद लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर IND AS 102 के प्रोविजंस अप्लीकेबल होते हैं। साथ ही साथ ऐसी अनलिस्टेड कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर भी IND AS 102 इज अप्लीकेबल। मतलब देखा जाए तो गाइडेंस नोट अब केवल कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है, अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ तक है या उससे कम है, सेबी लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगता है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। इस तरीके से प्रोविजंस हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि ग्रांट डेट क्या होती है बेटा, जिस दिन ऑप्शन ऑफर दिया किया गया वो डेट ग्रांट डेट कहलाती है। वेस्टिंग का मतलब होता है जिस दिन उनके पास राइट आ जाएगा शेयर्स लेने का, वो डेट कौन सी डेट कहलाएगी, वेस्टिंग डेट कहलाएगी। वेस्टिंग पीरियड मतलब जिस पीरियड में उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करना रहती है उसको वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, इस पीरियड में उनको शेयर्स लेने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शंस क्या होता है बेटा, कंपनी के एक ऑफर देती है कि कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय शेयर्स खरीद सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पर प्री डेट से, लेकिन ध्यान रखना ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होता क्योंकि ये एम्प्लॉय को ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते थर्ड पार्टी को। दूसरा बेटा, एक्साइज पीरियड की बात करें तो कंपनी को जिस पीरियड के अंदर शेयर्स खरीदने खरीदने
खरीदना रहते हैं वो पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है, एक्साइज प्राइस, जिस प्राइस पर उनको शेयर्स लेने का अधिकार होता है वो प्राइस एक्साइज प्राइस कहलाती है। इंट्रेंसिक वैल्यू वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस पर शेयर ले लो ग्रांट डेट का, उसमें से माइनस कर देंगे एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या आ जाती है बेटा इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इस प्राइस पर कंपनी को इतना नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि कंपनी अपना शेयर सस्ते में दे रही, जैसे 100 वाला शेयर 20 रुपए में दे दिया, तो 80 रुपए का जो नुकसान है बेसिकली डिस्काउंट, वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, इंट्रेंसिक वैल्यू कहलाएगी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं बेटा रूल 12 की। रूल 12 क्या क्या बोलता है? रूल 12 बोलता है कि भैया जब भी ईशोप आएगा तो उससे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए कंपनी ईशोप नहीं ला सकती। दूसरी बात बोलते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन में एम्प्लॉय का मतलब क्या है, तो सारे परमानेंट एम्प्लॉय जिसके अंदर इंक्लूड है कंपनी के डायरेक्टर्स भी, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात बोलते हैं कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा सब्सिडी कंपनी के एम्प्लॉय, एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉय, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय भी इसमें शामिल किए जाएंगे और उनके डायरेक्टर्स को भी, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें नहीं आएंगे। दूसरी बात बोलते हैं बेटा कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे, प्रमोटर्स कोई अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि प्रमोटर को जाने से रोकने की जरूरत नहीं है। और कंपनी के ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने 10% से ज्यादा होल्डिंग कर रखी है वो लोग भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, बाकी सारे डायरेक्टर्स कंपनी के कैटेगरी में आएंगे। मतलब कंपनी के डायरेक्टर के केस में ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो लेने ही नहीं है, डायरेक्टर्स लेना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर जिनकी होल्डिंग 10% से कम हो, वो सारे लोग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे, उनको ईशोप दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी जब ईशोप लाएगी तो प्लान तैयार करेगी, उस प्लान के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांट किए गए, कितने शेयर इशू किए जाएंगे, क्लास किस क्लास वाले इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं, वोटिंग राइट क्या रहेगा, डिविडेंड राइट क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी एम्प्लॉय की, सारी बातें बताना पड़ेगी। वेस्टिंग पीरियड कितना होगा, वह ध्यान रखेंगे वेस्टिंग पीरियड कभी भी 1 साल से ज्यादा कम नहीं हो सकता है, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। किस फॉर्मूले से कैलकुलेशंस किया गया है, इंट्रेंसिक वैल्यू से दे रहे हो या एक्साइज पीरियड, लॉकिंग पीरियड क्या रहेगा, अगर लॉकिंग पीरियड लगाया है, लॉकिंग पीरियड मतलब अगर बेचने का अधिकार नहीं दे रहे हो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय से बोल रहे हो शेयर्स ले लो कि 3 साल तक बेच नहीं पाओगे, तो वो सारी डिटेल आपको देना पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें आपको बताना पड़ेंगी जो कैलकुलेशंस में ऑलरेडी आ जाती है। प्राइसिंग क्या रहेगी, ईशोप की प्राइसिंग किस तरह से डिटरमाइन की गई है। इसके अलावा शेयर होल्डर अप्रूवल बाय सेपरेट रेजोल्यूशन पास किया गया है अगर इसके लिए, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड मैं बता चुका हूँ, कम से कम 1 साल होना चाहिए। हाँ, रिफंड या फॉरफीचर कर सकते हैं क्या, तो लिखना पड़ेगा कि अगर कंपनी चाहे तो रिफंड ले सकती है, मतलब ईशोप को कैंसिल कर सकती है, रिफंड कर सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला था कि वो शेयर इशू करेगी, लेकिन कंपनी की हालत खस्ता हो चुकी है, अब वो शेयर इशू करने के मूड में नहीं है, तो इम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन दे करके इसको कैंसिल भी किया जा सकता है या मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर रिपोर्ट में भी इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रजिस्टर रखना पड़ेगा, रजिस्टर बेटा फॉर्म नंबर SH6 के फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये सारे नंबर आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62। इसके अलावा रूल 12 में इसके स्पेसिफाई किया होगा कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको उसे भी रेगुलेशंस भी फॉलो करना है, साथ ही साथ उनको Ind AS 102 भी फॉलो करना पड़ेगा, ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखो वेस्टिंग पीरियड 2 तरह का हो सकता है, एक फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स वेस्टिंग पीरियड मतलब सीधा बोल दिया 3 साल अगर पूरे करोगे तो शेयर्स मिलेंगे। फ्लक्चुएटिंग कब हो सकता है, केवल परफॉर्मेंस कंडीशन डाली, जैसे बोलने की भैया 1 साल या 2 साल के अंदर अगर आपने कंडीशंस पूरी कर ली, 3 साल के अंदर कंडीशन पूरी कर ली तो आपको शेयर्स दे देंगे। जिस दिन कंडीशन पूरी करोगे उस दिन, हो सकता है कंडीशन पहले साल में पूरी हो जाए, हो सकता है कंडीशन 2 साल में पूरी हो सकता है कंडीशन 3 साल में पूरी हो, तो जितनी भी पीरियड करता है करोगे बेटा वो पीरियड कौन सा पीरियड कहलाएगा हमारा, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कौन सा पीरियड हो जाएगा हमारा, जल्दी जल्दी बोलो आपका फ्लक्चुएटिंग वेस्टिंग पीरियड। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आती है बेटा इनकी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज वेरी इजी, ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी किस तरह की अकाउंटिंग करना है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। बेसिकली 2 तरह की चीजें हमको निकालना रहती है बेटा, हमको निकालना रहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस एग्जाम में निकालने आ सकते हैं। एक्सपेंसेस निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। सबसे पहले आप निकालोगे इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्वेश्चन में सबसे पहले ये ढूंढ लो, इट इज वेरी इजी। ये कैसे निकालोगे, ये निकालने का तरीका क्या होगा, तो ये निकालने के लिए आपको चाहिए बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट।
ग्रांट डेट की मार्केट प्राइस चाहिए, इसमें से माइनस कर देना एक्सरसाइज प्राइस, कितने रुपए में आपने ऑफर दिया है वो माइनस कर देना, ये आ जाएगा फेयर वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो इंट्रेंसिक वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर फेयर वैल्यू दे रखी तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो दे रखी वही मान लोगे। फेयर वैल्यू को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो इंट्रेंसिक वैल्यू पर जाएंगे या फिर क्वेश्चन जैसा बोले वैसा सॉल्व करेंगे। ये निकाल लिया, फिर करना क्या है? फिर कुछ नहीं बेटा, आपको निकालना रहेगा यहाँ पर एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस। इट इज वेरी वेरी इजी। क्या करेंगे इसके लिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉई देख लो, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपको गिवन हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉई में मल्टीप्लाई कर देना बेटा नंबर ऑफ ऑप्शन। टू ईच एम्प्लॉई, हर एक एम्प्लॉई को कितने ऑप्शंस दे रहे हो से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, जो ये मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, ये कहलाता है नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड। कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड गिवन होते हैं तो फिर हमको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई कर देना जो ऊपर आपने इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू निकाली, तो ये टोटल लॉस आपको पता चल जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेस्टिंग पीरियड। ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको, खाली यही निकालने के लिए आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कि बताओ एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस कितने निकाले। जनरली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन है चूंकि, तो बहुत सिंपल सा बेसिक नॉलेज आपको लेकर के एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस निकालना रहे, तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। फटाफट एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस निकालो, काम खत्म हो जाए। दैट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको निकालने आएंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, अच्छा इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे कंपनसेशन एक्सपेंसेस की, इट इज वेरी इजी। कंपनसेशन एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसको ड्यू करेंगे, ड्यू करने की इम्प्ली होगी एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईशो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो ईशोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट की जगह वो इंड एज 102 फॉलो करेगी और वो लिखेगी बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो वो एक रिजर्व अकाउंट बनाएगी। इसके अलावा और कुछ में एंट्री में चेंज नहीं होगा। सारे बच्चे बताओ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस की पहली एंट्री डाल देंगे जो आपने ऊपर निकाली उस अमाउंट से। फिर एक कंपनसेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ये दो एंट्रियां होंगी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। तो ये वेस्टिंग पीरियड की अकाउंटिंग आपसे पूछ सकते हैं, इट इज वेरी इजी। आपसे पूछ सकते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ध्यान रखना ये ईशोप आउटस्टैंडिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट इज अ रिजर्व। ये अनलिस्टेड कंपनी इस नाम से रिजर्व बनाती है जबकि लिस्टेड कंपनियां शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम से ही बनाती हैं। तो ये रिजर्व है तो इसको हम शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा और ये पी एंड एल के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हेड पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ दिखाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को कहाँ डिस्क्लोज किया जाएगा, अमाउंट कितना होगा। काम खत्म बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जा सकता। सर फ्लक्चुएटिंग वेस्टिंग पीरियड हुआ, जनरली क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके जाए, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको से वो बनना चाहिए। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल इस तरह का आएगा, जैसे बोलेंगे भैया देखो ये ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2000, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 500 थे, एक मार्केट प्राइस चल रही है 170, एक्सरसाइज प्राइस है 50। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ये आपकी क्या आ गई बेटा इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 माइनस 50 कर दो, कितनी आ गई बेटा 120। वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, आपके काम की इंफॉर्मेशन केवल इतनी रहेगी, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। एक नंबर ऑफ ऑप्शन कितने दे रहे हैं एम्प्लॉई को, 200, 450 एम्प्लॉई ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट क्वेश्चन इज वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन। वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहले क्या निकालोगे, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन आगे सीधा सीधा नंबर ऑफ ऑप्शन। ग्रांट निकाल लो, कितने ऑप्शन ग्रांट किए गए हैं, 500 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई को 200 शेयर दिए गए हैं, तो टोटल मिला के 1 लाख शेयर इशू करेंगे।
बस बेटा टोटल इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू निकाल लो कितनी हो गई, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ 20 लाख, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस निकाल लिया कितना आ गया बेटा 40 लाख। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके, इट इज वेरी इजी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे 500, एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन 200, एक एम्प्लॉय पर नुकसान कितना 120, डिवाइड बाय कितना कर दो 3, आंसर सेम आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 40 लाख। ये आ गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। अब क्या करें सर, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस आ गए, आप क्या करें? कुछ नहीं बेटा, जनरल एंट्री डाल देंगे। क्या एंट्री डाल देंगे? आपको एंट्री आती है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग, फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। पी एंड एल को हम एसपीएल बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में एसपीएल दिया है तो एसपीएल पर टिक लगाएंगे, काम खत्म। इस तरीके से कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो ये था हमारा वेस्टिंग पीरियड का कैलकुलेशन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलें बेटा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं एक्साइज पीरियड के। अब एक्साइज पीरियड में क्या होगा, एम्प्लॉय आएगा अपना शेयर सस्ते में खरीदने, जब एम्प्लॉय सस्ते में शेयर्स खरीदने आएगा तो आपको शेयर्स देना पड़ेंगे। अब शेयर्स देना पड़ेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बेटा आप देखना कितने एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द एक्साइज पीरियड बचे हैं। से 500 एम्प्लॉय हमारे पास थे, 500 में से 450 एम्प्लॉय ही ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब हमको शेयर्स देना पड़ेगा, सस्ते में देना पड़ेगा। कितने ऑप्शंस की बात हो रही थी? 450 एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय को 200 शेयर्स देने का वादा था, मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, मतलब टोटल मिला के 90,000 शेयर इशू करना पड़ेंगे। 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख में से 90,000 शेयर इशू करना पड़ेंगे। सर बचे हुए 10,000 ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे क्योंकि 50 एम्प्लॉय अपने शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा कितने एम्प्लॉय के ऑप्शन लैप्स हो गए, कितने एम्प्लॉय के ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लोगे कि भैया कितने एम्प्लॉय के ऑप्शन लैप्स हो गए, कितने एम्प्लॉय के ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं, सबसे पहला ये काम आपको करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इजी। अब यहां क्या करना है, हमको 90,000 शेयर इशू करना है और 10,000 ऑप्शन लैप्स हो गए हैं, उनका कैलकुलेशंस कर लें। इट इज इजी। अब क्या करेंगे, जब एम्प्लॉय आएगा तो उससे दो चीजें लेंगे, एक तो पैसा जो हमने तय किया था एक्सरसाइज प्राइस, ध्यान रखना बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस से, जो हमको एम्प्लॉय से लेना है। कितने रुपए लेने का वादा किया था मैंने समझा रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, हमने बोला था कि भैया 50 रुपए में शेयर देंगे तो 50 रुपए उससे ले लेंगे। दूसरी बात, जो आपने रिजर्व बनाया उसको कैंसिल कर दोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो भी आपने बना रखा उसको कैंसिल कर दोगे, ऑलवेज इंट्रेंसिक वैल्यू से। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा 120, तो 120 रुपए लिख लो। फिर साथ में दे देंगे क्या, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ध्यान रखना इक्विटी शेयर्स कैपिटल में जाएगी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी आपके शेयर्स की होगी। से मैं 10 रुपए मान रहा हूँ, कुछ नहीं दे रखा तो 10 रुपए ले लेंगे, 100 रुपए होगी तो 100 रुपए। इनके बीच का डिफरेंस कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। जो शेयर्स आपने दिए हैं मार्केट प्राइस ज्यादा चल रही थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा। कितने रुपए का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, 10 माइनस कर देना इसमें से, कितना आ जाएगा सारे बच्चे जल्दी से बता दो, 170 का शेयर था, कितना आ जाएगा 160, 160 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर आपने इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 90,000, मल्टीप्लाई बाय 90,000, मल्टीप्लाई बाय 90,000, तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। एग्जाम में अब ये वैल्यू पूछ सकते हैं कि बताओ कितने रुपए इशू होंगे, कितने रुपए आएंगे, ये पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी आएगी, ये पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इस जनरेटी से सीख सकते हो। दूसरा बेटा, जो लैप्स होगा उनका क्या होगा बेटा, 10,000 ऑप्शन जो लैप्स होगा उनका रिजर्व जो बनाया था वो भी कैंसिल होगा। कितने रुपए से, इंट्रेंसिक वैल्यू से कैंसिल होगा बेटा। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी थी 120, टू कहाँ डाल दोगे इसको, जनरल रिजर्व में। 120 को जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व में भेज देंगे। जितने शेयर्स का लैप्स हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 शेयर का लैप्स हुआ है 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। पूछ सकते हैं जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, आप निकाल सकते हो। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इट इज इजी, काम खत्म। इतना ही हमको ईशोप के अंदर डिस्कशन करना। तो ये था बेटा हमारा ईशोप का क्वेश्चन, आई होप सबसे ईशोप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद ईशोप के बाद आता है बेटा आपका ESPP। क्या आता है फटाफट बोलो, ESPP। हाँ, अब एक और चीज, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्शन लेफ्ट दे रखें कि कुछ एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे, ये भी पूछ सकते हैं। कुछ एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा कि पहले साल में 20%, दूसरे साल में 15%, तीसरे साल में 10% एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे, सीधा बेटा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे उसमें 20% या तो माइनस करके लिख देना, या 20% 100 में से गए तो 0.80 से मल्टीप्लाई कर देना, 85 से कर देना, 0.90 से कर देना, फिर वही नंबर ऑफ ऑप्शन टू ईच एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू कर देना, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कर देना, सेम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये परसेंटेज दिए हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट के तो ले लेना,
लेकिन कौन से वाले लेना, विदाउट मार्केट कंडीशन वाले। विथ मार्केट कंडीशन अगर दिए हैं ऑप्शंस के अंदर तो उनको कंसीडर मत करना। मैंने आपको बताया था कि विथ मार्केट कंडीशन जो होती हैं उनका एस्टीमेट लगाना संभव नहीं होता, तो उनको कंसीडर मत करना। सिंपल लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, जो एम्प्लॉयज आ रहा है उनको माइनस करके कैलकुलेशन कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एस्टिमेटेड एम्प्लॉय, एक्चुअल एम्प्लॉय लेफ्ट के क्वेश्चंस के केस में बेटा हर साल का कैलकुलेशन अलग होगा, वो क्वेश्चंस आपसे जनरली नहीं पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ये दो तरह के क्वेश्चंस ही करके चले जाओ, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा बेटा। इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्चुअल एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट के क्वेश्चन मत करना, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ग्रेडेड ऑप्शन वगैरह जो मैंने कराया था अगर करके जाना हो तो चले जाना, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके। तो ये थे बेटा हमारा क्या ईशो। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रेडेड वेस्टिंग वगैरह आपको नहीं करना है। हाँ, ग्रेडेड वेस्टिंग होता क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्रेडेड वेस्टिंग मतलब जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी शेयर्स देगी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि कंपनी उसको 400 शेयर देगी, पहले साल के एंड में 100 शेयर लेने का अधिकार हो जाएगा, दूसरे साल में फिर 100 दे देंगे, तीसरे साल में फिर 100 दे देंगे, चौथे साल में फिर 100 दे देंगे। मतलब इस तरीके से कंपनी बार बार एक साथ शेयर ना दे करके बीच बीच में भी शेयर दे जाता है एम्प्लॉय को, तो ऐसे ऑप्शन को क्रेडिट वेस्टिंग ऑप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट वेस्टिंग। तो इसके भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस थ्योरेटिकल बातें याद रखना कि क्रेडिट वेस्टिंग कहलाता क्या है। इसके बाद आता है बेटा एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान दूसरा एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है। इस प्लान के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉय को इमीडिएटली शेयर्स ऑफर कर देती है, एम्प्लॉय से बोलती है शेयर्स अभी खरीद लो आप, मतलब पहले एक्सरसाइज पीरियड आ जाएगा, अभी के अभी शेयर्स खरीद लो, और बोलती है जो शेयर आप खरीदोगे उन शेयर पर पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहेगा। पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा मतलब वो शेयर सेल नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर पीरियड तक, मतलब लॉकिंग पीरियड जैसी कोई चीज बोलेंगे कि लॉकिंग पीरियड लगा दिया है। तो ऐसे प्लान को क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान बोलते हैं, जिसको ESPO या फिर ESPP बोल सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं? ये ईसोप से अलग होता है, ध्यान रखना ये ईसोप से बिल्कुल अलग है। ईसोप के चक्कर में मत पड़ना, क्यों? क्योंकि ईसोप में हम एम्प्लॉय स्टॉक प्लान निकालते हैं, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट निकालते हैं, वो यहाँ जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक्साइज पीरियड आ गया, तो यहाँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट नहीं आएगा, रिजर्व नहीं बनेगा, सीधी एंट्री होगी एक्सरसाइज करने की पहली, बैंक अकाउंट डेबिट एक्सरसाइज प्राइस से, इंट्रेंसिक वैल्यू से हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस सीधे डेबिट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम सेम एंट्री होगी। बस ध्यान रखना यहाँ एक्चुअल अमाउंट आएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस आएंगे, मतलब से 500 एम्प्लॉय थे, 500 में से केवल 400 लोग ही ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 400 अकाउंट लोगों का ही खर्चा यहाँ पर डेबिट होगा, 500 का नहीं होगा। हमको यहाँ एस्टिमेटेड खर्चे लेने की जरूरत ही नहीं, और ये कंपनसेशन एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ रिजर्व नहीं बनते हैं, बस ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन सेम होगी, सर ये कंपनसेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के लिखेंगे? कंपनसेशन एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं लेना है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लेना रहेगी। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, तो वो वैल्यू लेंगे, उसमें से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देंगे, तो वही इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बात आपको यहां पर समझ में भी। देखो से क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल 2017 को कंपनी को ऑफर किए 100 शेयर 500 एम्प्लॉय के लिए, 100 शेयर 500 एम्प्लॉय को बोला है कि भैया आप चाहो तो शेयर खरीद सकते हो, कितने में देंगे? 40 रुपए में, 40 रुपए में देंगे, दैट प्राइस इज एक्सरसाइज प्राइस। वो रहे थे एम्प्लॉय गिवन अ मंथ, एक महीने के अंदर एम्प्लॉय डिसाइड करे कि वो शेयर खरीदना चाहता है कि नहीं, मतलब पहले एक्सरसाइज पीरियड ही आ गया। शेयर इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर फॉर 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांट डेट। लो 3 साल का ग्रांट डेट से क्या लगा दिया बेटा? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि शेयर तो खरीद लोगे आप लेकिन इनको बेच नहीं पाओगी, सेल आउट नहीं कर पाओगी। बोल रहे हैं मार्केट प्राइस पर शेयर उस दिन चल रही कंपनी की 50, ये हमारे काम की नहीं होगी, ये काम की होगी। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इन दैट प्लान इज 48। क्योंकि हमने 3 साल का ऑप्शन लगा दिया है इसलिए मार्केट प्राइस से फेयर वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है शेयर्स की, कितनी चल रही है वो 48 रुपए। तो अब यहाँ हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी सारे बच्चे बताओ? 48 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? 40, कितना आ गया फटाफट बोलो? 8 रुपए पर शेयर। क्या आ गई बेटा इंट्रेंसिक वैल्यू? ये निकाल लो।
बस अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 एम्प्लॉय ने ऑफर एक्सेप्ट किया, केवल 400 एम्प्लॉय ने ही ऑफर एक्सेप्ट किया, ₹40 पे कर दिए हैं, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू ₹10 दे रखी, फेस वैल्यू ₹10 दे रखी है। जन एंट्री डालेंगे, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सी प्राइस से, मैंने बोला था एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है बेटा ₹40। अब यहाँ ईशोप आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना, क्या लिखेंगे फिर सर, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा, इंट्रेंसिक वैल्यू जो आपने निकाली ये एक्साइज प्राइस से, ये इंट्रेंसिक वैल्यू से। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, नॉमिनल वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी, नॉमिनल वैल्यू बेटा ₹10। डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 38 आ गया। बस बेटा अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो कि शेयर्स खरीद रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं बेटा 400 से मल्टीप्लाई कर दो सर। फिर एक एम्प्लॉय को कितने